तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है, और उसके बाद शी वॉज टेकन टू द फर्स्ट फ्लोर एंड गिवन अ रूम अक्रॉस द चीफ मिनिस्टर्स बेडरूम। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्यौहार था, अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए। उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी। श्री मोदी अटेंडेंट टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स। बहुत थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले, उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गए। ये महिला इस बीच में बीमार भी होती है। शी डेवलप्ड अ फीवर एंड रिक्वेस्टेड अ फिजिशियन। वो कहती है मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे, मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग अ फिजिशियन इज इम्पॉसिबल। हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, कि क्या हो रहा है। और ये सीडी अमित शाह की है, अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। अमित जी सर खबर पड़ गया सर ना सर मैं पहला कहूँ छे मैंने ज्वाइन आप छे सर कहे छे सर માણસો પણ બરાબર ગોઠવેલા છે, તમામ વ્યવસ્થા થઈ ગયેલી સર, ત્યાં મતલબ મેઇન ગેટ ની સામે જ આપણો એક માણસ ગોઠવાઈ ગયો છે, એટલે ત્યાંથી નીકળશે ત્યાંથી ફોલો ચાલુ થઈ જશે એનો, બહાર ગયે બહાર મેઇન રોડ પર એક માણસ છે, આગળ પણ એક માણસ છે, આપણે અંદર ચેક કરી તો જોડાવો ખાતરી કરે જોડાવો સર જી સર પેલું ઇન્ટરસેપ્શન માં એવું આવ્યું છે કે એક દિવસ એક્સટેન્ડ કરાયો છે એને, બસ એવું માણસો બરોબર અત્યારે ક્યાં છે પણ શોપિંગ બી કરી આવ્યા કોકરા જોવા अध्यक्ष महोदय इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब कह रहे हैं कि अंदर दो हैं, एक लड़की और एक लड़का है, उनके सारे नजर रखो। वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पूरी टीम लगाई है, जैसे ही वो होटल से बाहर निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे, एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये अमित शाह बोल रहे हैं, उस वक्त वहां गृहमंत्री थे, यानी गृहमंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है, मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं, घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए, साउथ अफ्रीका में जाके भी चैन नहीं पड़ रहा। देश देखेगा ईमानदार लोग, इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, आइए आइए ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है, मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे।